तो बेसिकली आज की जो टॉपिक है हमारी वो है स्लाइसर। हम बात करेंगे स्लाइसर के बारे में। तो बोले सर स्लाइसर तो मैंने डैशबोर्ड में पढ़ा ही है, हम स्लाइसर विथ टेबल के बारे में बात करेंगे। देखिए जो आपके सामने डेटा है इस डेटे के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मुझे इस डेटा को फिल्टर वगैरह बहुत करना पड़ता है मान लीजिए। तो आप क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं और फिर जाके जो नॉर्मली फिल्टर होता है फिर वो फिल्टर करते हैं। यहाँ से पूजा को उठा लिया, मोहन उठा लिया, राइट। लेकिन हम इसको अगर टेबल में कन्वर्ट करें, इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, इंसर्ट टेबल। जब हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको एक इसका नाम एक हो जाता है टेबल वन। इसको चेंज करके आप डेटा वन भी कर सकते हैं। यहाँ पे नाम यू कैन चेंज द टेबल नेम। अब इस पूरे डेटा को क्या माना गया, डेटा, डेटा नाम का टेबल माना गया। अब फॉर्मूला अगर लगाते हैं, जैसे मैंने सम लगाया तो सम के अंदर आप देखेंगे कि इसकी रेंज जो है चेंज हो गई। अब जैसे कि इस पर क्लिक करूंगा तो ये B2 नहीं कहलाएगा, ठीक है आपको सर। ये आपका डेटा हिडर मंथ। अगर मैं पूरा सेलेक्ट कर लिया तो डेटा ऑल दिख रहा है यहाँ पे सर, मंथ। ये चीजें यहाँ पे हो गई। तो एक एक पाथ हो गया जिससे क्या होता है कि डायनेमिक रेंज होता है। जैसे कि हमने डेटा ऑल और हमने ईयर ले लिया या मंथ ले लिया, तो इन फ्यूचर में जैसे नीचे कुछ एंट्री करेंगे तो टेबल अपने आप को इंक्रीज कर लेता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ दिख रहा होगा नहीं इंक्रीज किया तो यू हैव इंक्रीज, जैसे यहां आप देखिए मैंने किया होगा, ऐसे भी इसको इंक्रीज आसानी से कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक नया जो है डिजाइन खुल के आता है, टेबल डिजाइन, जिसमें फीचर्स होते हैं सारे सारे, जैसे कि टेबल का यहाँ पे स्टाइल के टेबल किस कलर का होना चाहिए, देन यहाँ पे जो है फिल्टर बटन चाहिए या नहीं चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, नहीं चाहिए या नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब इसको यहाँ ABCD दिख रहा है ना, जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ABCD क्या हो गया, कॉलम का हेडिंग हो गया सर। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल एक्सपर्ट की जो सर्टिफिकेशंस है उसमें चीज पूछा था, समझे। उसमें ये चीज पूछा था, तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके अलावा टोटल रो ऐड कर सकते हो, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके अलावा पिवट टेबल वगैरह लगा सकते हो। और दूसरी जब आपको टेबल को कन्वर्ट कर देना, हटा देना है, तो यहाँ कन्वर्ट टू रेंज कर देना है। फिर यहाँ पे स्लाइसर है, यू कैन ऐड द स्लाइसर यार। जैसे मैंने मंथ ऐड कर दिया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने क्लिक किया अप्रैल, सो ओनली फॉर अप्रैल का ही डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया। तो स्लाइसर ऑल्सो कनेक्ट होता है आपका पिवट से। अब इसी को यूज करते हुए हम एक डैशबोर्ड इसके अंदर बनाने वाले हैं, कंपेयरिंग डैशबोर्ड, कंपेयर बिटवीन बोथ। तो बेसिकली ये मेरे एक जो है एचआर का डेटा है, एचआर मैंने कि एक एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी डेटा है। जैसे कि यहाँ पे ईयर है, ये पूरे के पूरे 2 साल का डेटा है, 2021 और 2022 का मंथली। ओके कि जनवरी महीना है एम्प्लॉय नंबर वन, मेरे पास टोटल 12 एम्प्लॉय है, 12 एम्प्लॉय का डेटा है। ये पूजा, ये होम अप्लायंस में डिपार्टमेंट देखती है होम अप्लायंस की। जनवरी में 7 दिन एब्सेंट रही। कस्टमर का सर्टिफिकेशन रेट जो है ना 1 है, मतलब 4 में 5 में से 1 है। इसकी CTC कंपनीज के ऊपर 27,352 रुपये की खर्चा करती है, और इसने जो सेल किया है 1,35,749 रुपये, मतलब अपना टारगेट को इसने जस्ट 30% 33% अचीव किया है, समझ गए। तो मुझे ऐसा डैशबोर्ड बनाना है जिसे मैं दो डिपार्टमेंट्स और विथ इन दो ऑल के बीच में कंपेयर करूँ कि होम अप्लायंस और IT के बीच में क्या कंपेयरिंग है, और इन दोनों का कंपेयरिंग हमारा टोटल से कितना है। ओके सर,
तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने बताया था कि एक रो एंड कॉलम को आप छोड़ेंगे और इसको लेके एक एरिया ले लेते हैं कि जहां तक मुझे अपना डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनानी है। तो एक एरिया हमने ले लिया, इस एरिया को हमने कर देते हैं कलर, और कलर में मैंने इसको बेसिकली मुझे ब्लैक रिपोर्ट बनानी है, सो शुड बी कलर द ब्लैक। ठीक है, इस बार ब्लैक रिपोर्ट बना रहा हूं। और ये जो हमारा होगा यहां पे, इसको हम लेते हैं ये मेरा सेक्शन वन हो गया। स्लाइसर, ये स्लाइसर के रखने का जो मैंने ये बनाया, और मैं वन विंडो का ही बना रहा हूं, मैं दो विंडो नहीं यूज कर रहा हूं। तीन तीन को यहां भी सिलेक्ट कर रहा, यहां भी हमने एक स्लाइसर लिया, और ऊपर हेडिंग के लिए हमने कलर व्हाइट, सेल्स इक्कीस 2022, और इसको मिडल करता हूं, इसको बड़ा करके अंडरलाइन करता हूँ। अंडरलाइन जरूरत नहीं, बोल्ड अंडरलाइन के जगह पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ, और बॉर्डर पे आता हूँ, मोटा वाला बॉर्डर, और इसकी कलर हम दे देते हैं ग्रे। और एक एक कॉलम इन यहाँ पे, एक कॉलम में यहाँ छोटा करता हूँ गैप के लिए, एक कॉलम यहाँ भी छोटा करता हूँ ऑल्सो द गैप। अब मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा आ जाता है सेक्शन वन, और यहाँ पे ऑल, तीन हो गया, ये तीन हो गया, और यहाँ भी तीन चाहिए थे, और दो ही है, एक एक रो एक कॉलम इंसर्ट करना सेक्शन। इस जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। एक रो छोड़ के, अब इसमें तीन चीजें चाहिए, क्या चाहिए, CTC, एक में कलर जो है हम यहाँ पे यहाँ तक का कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सब पे व्हाइट ही लिखना है ना, इसलिए यहाँ था हमारा CTC। ये टोटल CTC कितना है, यहाँ सॉरी टोटल टोटल EMP कितना है, इसके अंदर एम्प्लॉय कितना है,
सीटीसी कितना है? नहीं, यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे हम लिखेंगे ईएमपी का टोटल एम्प्लॉय कितना है इसमें, और यहाँ भी सेम कि टोटल एम्प्लॉय कितना है और टोटल एम्प्लॉय। अब सैलरी का हम यहाँ पे देंगे सीटीसी के बारे में, तो इसको मर्ज करते हैं और कलर नहीं इस, हाँ कलर इसके अंदर इसको मर्ज करते हैं, ये आ गया हमारा सी टी सी। तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज, तो एक हट रहा है, एक कॉलम और इंसर्ट करना होगा एवीजी एवरेज, और यहां भी एक कॉलम चाहिए और यहां भी एक कॉलम चाहिए। कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब ये जो सेक्शन जो है नीचे, यहां ये ऊपर जो सेक्शन है राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, इसको हमने वाइट कलर का ले लिया और मोटा वाला कर लिया। और इसको भी सिलेक्ट करते हैं फोर, इसको सिलेक्ट करते हैं ऑल्सो, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब सीटीसी हमारा हो गया, अब इसको सेलेक्ट करते हैं कॉपी, एक कॉलम रो छोड़ते हैं, यहां डालते हैं सेल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल्स, और वही सेम कंट्रोल मतलब कि ये चीज सेम होगी कि क्या क्या है इसके अंदर। अब तीनों यहां पे हम करेंगे सेम, सेल्स के बाद एक रो और छोड़ते हैं यहाँ पे अब्सेंट, एबीएस अब्सेंट, अब्सेंट के बाद यहां पे एक रो यहां छोड़ेंगे, यहां कस्टमर रेट, तो कस्टमर रेट में टोटल नहीं आएगा, एवरेज आएगा, मिनिमम मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर रेट को टोटल करने का कोई फायदा नहीं है ना सर। कॉपी किया पेस्ट पेस्ट, बस हो गया। बीच के जो रोज हैं वो हम कर देते हैं डिलीट, हमें नहीं चाहिए। और एक काम और रह गया है, इसको सेलेक्ट करना है, इसका जो बॉर्डर था ना वो गड़बड़ हो गया है, तो बॉर्डर को ठीक कर देता हूँ।
और इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दीजिए, लास्ट एक्शन रिपीट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दीजिए, लास्ट एक्शन रिपीट हो जाएगा। तो मेरा अब यहाँ पे बन चुका है, अरे यहाँ पे सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऑल को भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और सेक्शन टू को भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं। टोटली एम्प्लॉय यहाँ होगा। अब एक एक कॉलम एक रो एक्स्ट्रा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ पे। अब बारी आती है फॉर्मूला। तो मुझे क्या करना है, अब मेरा जो डेटा है ना, इस डेटा को बेसिकली लेना है। अब यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय कितना है ये यहाँ पे हमें देना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है यहाँ पे। तो मैं अपने डेटा को दो बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए क्या रूल क्या है कि मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए कि कितना डेटा, कितना टोटल एम्प्लॉय सेक्शन वन में है, डेटा वन एंड डेटा टू। तो हम यहाँ यहाँ सिंपली यहाँ लिखते हैं सब, यहाँ एग्रीगेट माफ कीजिएगा, या सब टोटल भी कर सकते हैं, एग्रीगेट ही एग्रीगेट। देखिए क्या है, आपको एक बार इसका मेथड समझिए क्या है मेथड, कि मुझे मान लीजिए कि टोटल चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई आईटी के अंदर टोटल स्टाफ कितने हैं। तो इसके लिए सामी बगल लगेगा, लेकिन नहीं, मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला एग्रीगेट लगाना चाहता हूँ, ओनली फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट फॉर्मूला में सारा आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे काउंट ए कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट काउंट करना है तो काउंट ए ले लिया। अब पूछता है इग्नोर क्या करना है, तो हमने बोला कि इग्नोर इसको करना है हिडन रो, और हमने एरे में आया और हमने इसको इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे 289 दिखा रहा है, लेकिन टोटल ओवरऑल। जैसे मैं यहाँ पे अप्रैल करूंगा, तो यहाँ जैसे मैं आईटी करूंगा यहाँ सेलेक्ट, तो सिर्फ आईटी का 49 दिख रहा है ना सर। और आईटी में भी मुझे जैन करना है, तो देखेंगे यहाँ पे जैन का, क्यों, क्योंकि एग्रीगेट सिर्फ जो है विजुअल सेल्स का ही टोटल देता है। किसका देता है, विजुअल सेल्स का टोटल देता है, ओवरऑल टोटल नहीं देता है, समझे सर। तो सेम चीज हम यहां एग्रीगेट के अंदर करने वाले हैं यहीं पे, और यही एक सिंपल ये है, मतलब कि सिंपल कंसेप्ट है। तो यहां पे हम एग्रीगेट फॉर्मूला लगाते हैं, मुझे चाहिए काउंट ए, इग्नोर करना है मुझे ये हिडन, मतलब कि हिडन वैल्यू, मतलब कि 5 नंबर, और यहाँ मुझे डेटा के अंदर गया, हमें डेटा डेटा वन के अंदर गया, और हमने बोला कि हमें टोटल एम्प्लॉई काउंट करने हैं, तो इसको लेके एंटर मार दिया, रिजल्ट 289 आ गया। अब आता है सैलरी, कि टोटल सैलरी कितना है दिया गया है। तो सम न लगा के हम यहाँ पे एग्रीगेट लेंगे, एग्रीगेट में सम के लिए है नंबर 9, और हमें 5 इग्नोर करना है एरर, इसको हिडन को 5 नंबर, और उसके बाद हम अपने डेटा वन में गए और हमने कितना सीटीसी दिया है, और सीटीसी यहाँ पे आ गया। फिर एवरेज, तो अभी यहाँ पे जो है कलर दूसरा होना चाहिए, कलर वाइट हो जाने के कारण से दिक्कत हो रही है, तो कुछ भड़काऊ सा कलर होना चाहिए। ब्लैक तो सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है, ये ठीक रहेगा ना सर, या ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, बोल्ड कर दीजिए, दिखेगा।
और इसके ऊपर लिया। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे एवरेज का है, तो यहाँ पे एग्रीगेट फॉर्मूला। देखिए पूरा डैशबोर्ड सिर्फ सिंगल फॉर्मूला से बनेगा, मतलब पूरी रिपोर्ट एक ही फॉर्मूला से बनेगी सर। तो एग्रीगेट में मुझे एवरेज है तो 1 हो गया, यहाँ नंबर 5, और मैंने गया डेटा वन में मैंने इसका एवरेज लिया एच कॉलम का। सेम ऐसे ही एग्रीगेट यहाँ पे आ जाएगा मैक्स नंबर 4, नंबर 5, और यहाँ पे हम दे देंगे डेटा में HH। ऐसे यहाँ पे मिनिमम है, तो यहाँ पे एग्रीगेट मिनिमम के लिए है 5 नंबर, ऑल्सो 5 नंबर, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया CTC। तो मुझे पता चल गया कि CTC का ठीक है सर, समझ में आया आपको ये? ये ब्लू रहता तो, अब ब्लू पे व्हाइट रहता तो अच्छा दिखता। ये अब ठीक दिख रहा है ना सर? अब बेटर है सर। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, फिल फिल के अंदर ये हमने इसको ब्लू लिया, और फॉन्ट में व्हाइट लिया। F4, फोर F4, 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 ये अब बेटर लग रहा है। तो एग्रीगेट आ गया। अब यहाँ सेल्स का, तो ये जो फॉर्मूला ऊपर हमने लगाया है ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा। तो कॉपी किया, नीचे हमने पेस्ट कर देंगे सिंपल। बस इसमें क्या होगा कि कलर यहाँ पे क्या है, HH है ना, ये आ जाएगा आई, बस सिंपल। अब मुझे सारे HH को आई कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल H में जाए, यहाँ पे बोले कि H/H को हमें कर देना है I/I और रिप्लेस ऑल। हो गया सर? अब इसको कॉपी करना, यहां डालना है अपसेंट। अब मुझे अब मेरा जो अपसेंट है वो कहाँ है, मेरा अपसेंट है इसमें F कॉलम में। तो मैं डैशबोर्ड में गया, बोला कि जहां हमारा I/I है उसको मैं F/F करना चाहता हूं, रिप्लेस ऑल, अपसेंट आ गया। और कस्टमर रेट, अब कस्टमर रेट में मैनुअल लगाना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि कस्टमर रेट जो है वो मिनिमम मैक्सिमम नहीं है सर, इसमें जाके अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि मर्ज है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें टोटल नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवरेज में हमने 1 कर दिया। F/F नहीं चाहिए, कस्टमर रेट जो है हमारा वो G/G है, तो यहाँ पे हमें G/G करना है, और बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। और यहाँ F/F को G/G मैनुअल कर दीजिए या रिप्लेस। तो कभी कभी फॉर्मूला में भी हमें बेनिफिट होता है, ठीक है सर? और ये एवरेज है, तो इसको हम यहां से क्या बोलते हैं, हाँ ये डेसिमल प्लेसेस को यहाँ है, रेट भी चाहिए, ये 2 सही रहेगा।
अब ये पूरे जो ये पूरा फॉर्मूला है ए सी टी सी के लिए, मैं यहाँ तक इसको यहाँ तक कॉपी करता हूँ, कॉपी करके सेम इस पे पेस्ट करता हूँ। बट पेस्ट करने से हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें हमने हमारा डॉलर साइन नहीं लगा होगा, तो मुझे लग रहा है मैनुअल ही लगाना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि और डॉलर साइन लगाएंगे होता तो पूरा लगा देंगे ना, और 9 नंबर इसे कुछ नहीं करना है, जो इग्नोर इग्नोर हमने किया हुआ है ना, खैर हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, नंबर 1 ये इग्नोर है ना, तो यहाँ पे हम जो है इग्नोर नथिंग, मतलब कि 4 नंबर 5 को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, सिंपल सा। तो ओवरऑल दिखाएगा मतलब कोई इग्नोरेंस नहीं होगा, तो स्लाइसर भी इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कोई कोई इग्नोर ही नहीं होना ना, इसलिए सिंपल सा। तो एवरेज है, इसको मैं कर देता हूँ, मुझे पहले कर देना चाहिए था। अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और जाहिर सी बात है कंट्रोल एच, मैंने बोला जो हमारा 5 है उसको कर दीजिए 4, रिप्लेस ऑल एंड ओके। सेम इसमें ही हम डॉलर साइन लगा देते हैं, डॉलर F4 टैब F4 टैब, और इसको मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल एच सेम रिप्लेस ऑल कॉमा ओके, देन ऑल्सो यहां पे F4 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां भी चाहिए ना, तो यहां भी दोबारा फॉर्मूला ना लगाना पड़े, इसलिए मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा, हमने इसको लगा दिया, और इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे इसको रखा कंट्रोल एच, और हमने रिप्लेस ऑल, लेकिन सिलेक्शन करे की जगह बना इसका भी कर देगा, समझ गए। तो एच जो 4 है 5 है उसको रिप्लेस करना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम ऑल्सो हमारा 5 पे था और उसने उसको चेंज कर दिया। ये सब चीज़ें भी ऑटोमेशन करते समय देखना देखना होता है। हमें रिप्लेस तो बड़ा अच्छा से लगा दिया, लेकिन अब सही है। अब मुझे और इसी फॉर्मूला को, ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने लगाया हुआ इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि सब पे मैंने डॉलर साइन तो लगा दिया है, तो कॉपी पेस्ट करने पे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ऐसा 25 आ गया, एग्रीगेट कर दिया। अब सही है, अब इस पूरे फॉर्मूले को उठाएंगे कॉपी,
और जो सेकेंड सेक्शन है वहां पे यहाँ पे डाल, बट ये चेंज क्या हुआ? अच्छा ये फ्रीज नहीं था, हाँ ये फ्रीज नहीं था, ये तो बनो के चेंज क्या होंगे। अब दोबारा इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ऐसे हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और डेटा के जगह पे हमें डेटा टू करना है, सिंपल, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो डेटा लिखा हुआ है उसके जगह पे यहाँ डेटा टू कर दीजिए एंड रिप्लेस। अब दूसरा शीट से कनेक्टेड हो गया। अब चलिए हम स्लाइसर लेते हैं, अपने अपने डेटा पे टेबल डिजाइन पे आते हैं स्लाइसर। तो स्लाइसर चाहिए मुझे ईयर, मंथ, डिपार्टमेंट, अब रेट, सी रेट और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लेना हो सिर्फ। नेम भी ले सकते हैं, देन ओके। अब इन सब को मैं यहां पे करता हूं सेलेक्ट, करता हूं कट। डेटा वन है मतलब कि सेक्शन, डैशबोर्ड के सेक्शन वन में पेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको लेता हूं वन बाय वन, यहां पे करता हूं अपने हिसाब से। अभी थोड़ा देर में जूम बंद हो जाएगा तो आप लोग इसको दोबारा चालू कर लीजिएगा। स्लाइसर में सबसे पहले तो हम थोड़ा सा लेते हैं इसकी, ये सही रहेगा, ग्रीन। न्यू स्लाइसर स्टाइल पे जाते हैं, फॉर्मेट, फिल, और ब्लू लेते हैं। अच्छा ब्लू एंड, ओ सॉरी गलत कर दिया। यहाँ पे न्यू फॉर्म स्लाइसेस स्टाइल में हमने सिंपल बोला हीडर, नहीं हीडर नहीं, हमें हीडर ब्लैक होना है, नहीं हीडर सही है, सिलेक्टेड आइटम डेटा फॉर्मेट, इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये टू लाइंस कर दिए, इसको भी यहां पे हमने रखा। इसको भी यहां से मैंने टू लाइंस कर दिया और इसको नीचे तक, ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े। हेलो, इसको भी मैंने टू लाइंस किए। नेम को फिलहाल यहां रखते हैं, ये यहां पे यहां करते हैं इसको, और स्लाइसर्स टू लाइन। कस्टमर रेट 2 3 लाइन, ये वन लाइन में भी हो जाएगा।
छोटा और करते हैं उसका। मंथ को इसको मंथ है उसको 3 लाइन करते हैं स्लाइस में। मंथ ले लिया बस हो ही चुका है। फिर डिपार्टमेंट को भी यहां पे डाला। Recording in progress. इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसमें हम अपना नेम डालते हैं। बस इसको इसी को एडजस्ट करने में थोड़ा हो गया, टाइम लग गया। और पिवट स्लाइसर में ये सही। इसको भी सही। तो ये हमारा फिट हो गया। एक सेक्शन फिट हो गया मतलब अगर मैं यहां 2021 कर लूंगा तो देखिए पूरा रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। 22 करूंगा 22 के अकॉर्डिंग, दोनों करूंगा दोनों अकॉर्डिंग। तो यार मुझे 2021 के मुझे मान लीजिए जुलाई चाहिए तो जुलाई महीने के अगेंस्ट में पूरा हो गया। ठीक है और इसको मैंने यहाँ करना भूल, हमने यहाँ पे भूल गया। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फाइट की जगह पे इग्नोर नथिंग क्या था, फोर था ना। हाँ ओवरऑल एम्प्लॉय रहेगा और यहाँ इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डेटा टू कॉपी पेस्ट, कोई बात नहीं काउंट ही है ना। इग्नोर नथिंग एम नहीं, इसके बीच में कर देता हूँ सी बाई सी। इग्नोर करना है ना इसमें, इग्नोर हिडन 5 करना है, ये हमारा डेटा टू हो जाएगा। अब यहाँ हम डेटा टू पे आते हैं और सेम स्लाइस इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टेबल डिजाइन स्लाइसर्स ईयर मंथ नेम डिपार्टमेंट रेट बस और कुछ नहीं। सेलेक्ट किया, कंट्रोल देके सबको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ डैशबोर्ड में। इसको मुझे इस सेक्शन में प्लॉट करना तो 2022 को स्लाइसर्स हमने इसको दो भागों में बांटा, इसको यहाँ रखा, इसको ऊपर तक ड्रैग किया छोटा। उसके बाद मुझे मंथ चाहिए सो पुट द मंथ या इसको 3 में करना है, 4 करके देखा 4 भी हो गया और छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमने नेम डाला चार बजे देखे
चार भी हो गए। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दो ही होगा क्योंकि होम प्लस बड़ा है इसलिए, और इसको लिया हमने छोटा कर दिया। अच्छा दो की जगह तीन करके देखते हैं, तीन भी हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं। और रेट को हम दो तीन चार, और इसको हमने यहां से छोटा कर, तो छोटा और हो सकता है, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर, और फिर इसको ऊपर अथवा बड़ा करते ताकि पांच भी दिख जाए। ठीक है सर, सो रिपोर्ट इज रेडी। थोड़ा सा इसकी स्क्रॉलिंग कर देता हूँ, और ये जो फालतू के डेटा है, आपने पहले बताया था कि इसको हाइड कर दीजिए जब भी आपके पास कोई फालतू का डेटा है, तो मैंने इसको कर दिया हाइड, और यहाँ भी हमने इसको लिया और पूरे कर दिया राइट क्लिक हाइड, ताकि उतना ही एरिया दिखे जितना एरिया पे हमारा डेटा दिखना है। ठीक है सर, ये पूरा हिल गया। अब कंट्रोल जी करता हूं, और नहीं यहाँ ये होम मेनू बार के अंदर ही यहाँ पे आता है, गो टू स्पेशल, हमने यहाँ पे कर लिया ऑब्जेक्ट, और फिर इसको अपने हिसाब से हम घसका देते हैं, सारा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो, मतलब एक अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे रिपोर्ट हमारा रेडी है। अब देखिए तो सो हम यहाँ सेलेक्ट, मुझे मान लीजिए 2021 और 2022 के बीच में कंपेयर करना है, तो शुरू 2021 और यहाँ 2022। अब यहाँ देख सकते हैं 2021 और 2022 के बीच में क्या डिफरेंस है, कि टोटल 145 एम्प्लॉई काम किए, यहाँ पे 245 एम्प्लॉई काम किए हैं, इसकी टोटल सैलरी हमने 5038 किया है, इसकी 49 किया, मतलब कि हम 2022 में कम पे किए। एवरेज सैलरी जो है 34,992 की रही है, इसके भी 34,550 की रही है, सबसे मैक्सिमम मैंने 49,000 दिया है, यहाँ भी 49,000 दिया है, सबसे कम हमने यहाँ पे 2047 दिया है, यहाँ 2051 दिया है। सेल्स की बात करें तो 3247 सेल है यहाँ पे, मतलब कि सेल कम है, तो सैलरी कम दिया सेल भी कम हुआ। एवरेज सेल जो है वो 2255-53 का है, इसमें एवरेज सेल 2087-62 का है जो कि कम है। मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट सेल दोनों में बिल्कुल सेम है, और सबसे कम सेल जो है मिनिमम सेल के मापने में हम ज्यादा कर रहे हैं। कस्टमर की रेट किए जाए या एब्सेंट की बात करें तो 620 दिन एब्सेंट हुआ है टोटल में से, टोटल 189 दिन है यहाँ पे, और इसमें जो है थोड़ा कम हुआ है, 569 डे ही लीव हुआ है। एवरेज जो है एक सेल का है, एक एम्प्लॉय 4.3 डे का छुट्टी ले रहा है, यहाँ पे 4 का छुट्टी ले रहा है, मैक्सिमम छुट्टी 9 गई है, यहाँ भी मैक्सिमम 9 गई, मिनिमम 0 गई है। कस्टमर रेट की बात करें, ओ सॉरी इसमें आई ही है क्या, जी जी है ना, यहाँ पे जी होना चाहिए, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, इसलिए रिपोर्ट बनाने के बाद हम चेक कर लेते हैं, यहाँ भी मिस्टेक होगा, यहाँ भी मिस्टेक होगा, ओके okay?
ये रही हमारी सेल्स कंपेयर रिपोर्ट, जिसको हमने एक सिंगल फॉर्मूला एग्रीगेट के थ्रू बनाया है। एक डेटा पे स्लाइसर की मदद से हम इसमें केपीआई दे दिए हैं, अलग अलग एंगल पे देख सकते हैं। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द सिंगल फॉर्मूला रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं रोहित जी एंड ईशान जी? जी जी बिल्कुल, एक ठीक ही है ना? फॉर्मूले से पूरा रिपोर्ट बन गया।